वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं शहबाज शरीफ रोस्ट, पाकिस्तान न्यू पीएम रोस्ट, पाकिस्तान न्यू फनी रोस्ट, एंड दिस वीडियो इज बाय फीब्रो ऑफिशियल। तो हम सबको पता ही है कि मतलब पाकिस्तान का न्यू पीएम आ चुका है, तो लाइक एवरीवन नोस इट नाउ। तो फिर से लाइक हमारे ट्वीब्रो का लाइक जो स्पेशलिटी है पाकिस्तान के पीएम को रोस्ट करना, तो यहाँ पे फिर से आ गए हम पाकिस्तान के पीएम को रोस्ट देखने। तो या हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। चीन पाकिस्तान का एक वफादार काबिल एतमाद और दुख और सुख का साथी है। चीन आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, दादा पोते होने का प्रूफ है। भाई लोग, महीने भर से चले आ रहे राजनीतिक चुतियापों के बीच आखिरकार पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री घोषित हो चुका है, और इस नए पाकिस्तानी मुगले आजम का नाम है शहबाज शरीफ। अब ये कितना तगड़ा शरीफ है वो तो भाई देखना बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वो खुशनसीब बंदा है जिसको पाकिस्तान में शानो शौकत मिली, बिना चुनाव के सत्ता मिली, यहाँ तक की बीवियाँ भी इतनी मिली जितनी लोगों को भंडारे में पूड़ियाँ तक नहीं मिलती। लेकिन इस बीच ऊपर वाला बंदे को एक जरूरी चीज देना भूल गया, और वो है यहाँ पर भेजा। और भेजा क्या है? खाली है। और इसी वजह से ये बंदा इतनी चुतियापे वाली हरकतें करता नजर आता है जिनको देखकर आप भी कहोगे ओ भाई मारो मुझे मारो, मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिनकी शुरुआत होती है बंदे की इन हरकतों से। कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, वाह वाह का आवाज है, वाह। आई लव यू इस बंदे को गाना गाने की इतनी ज्यादा चुल्ले है कि बंदा कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है, और अपने सपोर्टर्स को गाने के माध्यम से मोटिवेट करता नजर आता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया ऐसा भी नहीं है कि इस बंदे में गाना गाने की ही चुल्लो हो, बंदा डांस भी बखूबी कर लेता है। भाई ये पाकिस्तान के इतिहास का वो मल्टी टैलेंटेड पीएम है जिसमें लोगों को एंटरटेन करने के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं, और जोश इतना कि अपने भाषण के दौरान जब तक दो चार माइक तोड़कर ना फेंक दे तब तक इसके भाषण पूरे नहीं होते। और उधर माइक मुझे क्यों तोड़ा भाई, भाषण के दौरान बंदे को इस कदर दौरे पड़ने लगते हैं कि इसके सामने रखा माइक टेबल कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। टेंट वाले को एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो माइक और टेबल की शहबाज शरीफ से रक्षा कर सके। और भाई कभी कभी तो ये बंदा इतने ज्यादा जोश में आ जाता है कि अगर इसे स्टेज पर माइक या टेबल कुछ भी पटकने को ना मिले तो अपनी ही पार्टी के लोगों को उठा उठा कर पटकने लगता है। लेकिन भाई अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी चूतिया पंती वाली हरकतें कर कैसे लेता है। तो भाई इसका जवाब है कि शहबाज शरीफ दुनिया का वो इकलौता प्राणी है जिसके दिल में दिमाग और दिमाग में दिल है। With your heart and your mind. इसकी बकचोदी सुनने के बाद हार्ट अटैक पेशेंट से इसके सपोर्टर्स, मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिर ये शहबाज शरीफ है कौन जो अचानक से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूतिया बनकर उभरा है। तो भाई लोग, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई है, वो नवाज शरीफ जो पहले ही भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है। और जैसे ही शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर नवाज शरीफ को लगी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंदे की वतन वापसी का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, शहबाज शरीफ भी कोई पीछे रहने वाला थोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है, नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है, और शहबाज शरीफ देश में रहकर भ्रष्टाचार केस में जमानत पर बाहर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस जैसे चूतिए और भ्रष्ट बंदे को मुल्क का मुगले आजम बना दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि भाई पोरकियों का मानना है करप्ट है कि जैसे भी है, लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम अज कम सस्ती होती है। सुना भाई लोग, कांड मनाने गया देश में विकास और भ्रष्टाचार, पोरकियों को
चाहिए सस्ताई। भाई कटोरा खान हो या शहबाज शरीफ, विकास के नाम पर बंदों ने बस अपनी बीवियों का विकास किया है। कटोरा खान ने 3 शादियां की तो शहबाज शरीफ उससे 2 कदम और आगे निकला। बंदे ने 5 शादियां ही कर डाली और इनकी महिलाओं से अवैध संबंध की लिस्ट तो और भी लंबी है। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के सारे नेता सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? भाई पाकिस्तानी जिहादियों से तो ये नेता ही ठीक है। उन्हें मरने के बाद 72 हूरों का ख्वाब दिखाया जाता है और ये झोपड़ी वाले पाकिस्तानी नेता जीते जी 72 हूरों का आनंद ले रहे हैं। बात तो भाई लोग, बंदे को पाकिस्तान का मुगले आजम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि चीन के प्रति गुलामी और भारत के खिलाफ बकचोदी शुरू। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। हाँ, जैसे भारत तो तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखने को मरा जा रहा हो, जो कश्मीर का मसला हल किए बिना ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। झोपड़ी के कर्जा ले लेकर खुद का मुल्क गिरवी रख दिया है, बिना भीख मांगे देश को एक दिन नहीं चला सकते, और तुम्हें कश्मीर चाहिए। भाई पहले मुझे तुम एक बात बताओ, भारत तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखेगा क्यों? आतंकवादियों के अलावा भारत में तुम एक्सपोर्ट क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अरे कुछ नया ही बोल लेता, ये सब कुछ तो कटोरा खान भी कर चुका है। बेकारी को कौन पूछता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उधर पाकिस्तानी आवाम गजब बेइज्जती है। और भाई एक बात अच्छे से समझ लो, इमरान खान वजीर आजम हो या शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें बस लेने से मतलब है कोई भी दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई वांट टू रीच 1 मिलियन, प्लीज सब्सक्राइब लाइक्स, सो प्लीज सब सपकरा सारा खबर। भाई इस गाने को पूरा सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें ट्यूब्रो म्यूजिक, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओके यार, तो ये था द रोज ऑफ द न्यू पीएम, मजा जस्ट व्हाट इट इज लाइक, से दैट अच्छा था रोस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे ये रोस्ट करता है ना, मतलब सुन के मजा आता है, कुछ भी बोलो, है ना। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।